हाय, मैं डॉक्टर नगेंद्र तालोर मित्तल हॉस्पिटल सीकर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आज अपन बात करेंगे चेस्ट पेन की। चेस्ट पेन एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सिम्टम है। अपन डेली ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जिनकी मेन कंप्लेन चेस्ट पेन रहती है, और बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि जो ये चेस्ट पेन है ये हार्ट के कारण हो रहा है या कोई दूसरी कारण है इनके। तो आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन जो कार्डियक चेस्ट पेन है उसको पहचानें और कैसे दूसरे चेस्ट पेन से उनको डिफ्रेंशिएट करें। तो हार्ट अटैक का पेन या जो कार्डियक पेन रहता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम रहते हैं, उसके इम्पोर्टेंट फीचर रहते हैं। यदि अपन उनको जान लें तो अपन इजीली रूल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहती है। हार्ट अटैक का पेन किसी भी टाइम हो सकता है। अपन कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपन सो रहे हैं, अपन खेत में काम कर रहे हैं, किसी भी टाइम पेन हो सकता है। दूसरा, ये पेन हमेशा ही डिफ्यूज रहेगा और सेंट्रल रहेगा, अपने पूरे छाती में ये पेन अपने को फील रहेगा, और इसके साथ साथ में ये दूसरे लोकेशन पे रेडिएट करेगा। अपन बात करें इधर गले में जाएगा, जबड़े में जाएगा, कंधे में जाएगा, पूरे अपने आर्म, पोम आर्म, हाथ पे और अंगुली में भी ये रेडिएट करेगा। इसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि ये लेफ्ट साइड में ही रेडिएट करे, ये राइट साइड में भी अपना रेडिएट कर सकता है, और कई बार ये अपन बैक में भी जाएगा और पीएसटिक एरिया में भी अपने को फील होगा। इसके साथ जो कार्डियक चेस्ट पेन रहेगा उसके कुछ दूसरे सिम्टम भी उसके रहेंगे। जैसे अपन बात करें टॉप टू बॉटम, तो अपने को जैसे गिडीनेस रहेगा, और यहाँ जबड़े में पेन रहेगा, छाती में दर्द रहेगा। लंग की बात करें तो अपने को सांस लेने में कठिनाई रहेगी। पेट की बात करें तो अपने को उल्टी होती रहेगी, उल्टी जैसा मन करेगा। पूरा स्किन की बात करें तो पूरी स्किन अपनी पसीने से तरबतर हो जाएगी, पूरी स्किन ठंडी भी हो जाएगी, तो अपने को जो ठंडा पसीना बोलते हैं वैसा पूरा रहेगा। और जो कार्डियक पेन रहते हैं वो जैसे ही अपन हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ाते हैं तो वो बढ़ते हैं, और हार्ट पे भी अपन आराम देते हैं तो वो पेन कम होते हैं। तो जैसे अपन रेस्ट कर रहे हैं या अपन सोर्बिट्रेट टेबलेट लेते हैं, तो जीभ के नीचे रखने टेबलेट होती है, तो ये पेन में रिलीफ मिलेगा। और यदि अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे अपन खेत में हैं और अपने को पेन हो गया, अपन सोचते हैं कि चलो घर चल लेते हैं, तो अपन चलते चलते घर आ रहे हैं तो पेन कम होने की बजाय पेन बढ़ता जाएगा, और कई बार पेशेंट कोलैप्स होकर एक्सपायर भी हो जाता है। तो जब भी ऐसा लगे कि हार्ट का पेन हो सकता है तो अपने को उसमें एक जगह पे बैठ जाना है, शांत रहना है, और हार्ट को रिलैक्स रखना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम है, यदि अपन उनको जान लें तो अपन हार्ट अटैक के पेन को इजीली अपन दूसरे पेन से रूल आउट कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण रहता है अपना कि एसिडिटी या गैस का पेन। तो अपन बहुत सी बार इनमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि हार्ट का है कि गैस का है, लेकिन जो गैस का पेन रहेगा वो अपने पे जो खाने की नली है उसके साथ साथ रहेगा। तो अपने जैसे पेट में या जो अपन बोलते हैं पेगेस्ट में पूरा एकदम जलन फील होगी, और वो जलन धीरे धीरे छाती में ऊपर आते आते गले तक अपने को पूरा जलन जलन फील रहेगा। गले में पूरा एकदम बर्निंग सेंसेशन रहेगा और खट्टी खट्टा सा लगेगा, अपने को खट्टी डकारें आती रहेंगी, जो एसिड अपने मुंह में आता रहेगा, और उसके साथ पेट में जैसे आफरा सा रहेगा, अपने को बार बार गैस पास रहेगी, फ्लेटस आता रहेगा। और यही वाला जो पेन रहता है मेनली वो जब अपन जैसे फूड से रिलेटेड रहता है, यदि कई बार खाना खाते हैं तो रिलीफ मिल जाता है, एंटा एसिड लेते हैं रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा इसमें क्या, ये रेडिएट नहीं करता है दूसरी साइड से, और इसके साथ में दूसरे एसोसिएट सिम्टम भी नहीं रहते। तीसरा जो अपन बात करें तो कई बार अपने क्या लोकल पेन रहता है, अपन जैसे मसल का पेन हो गया या पसलियों का पेन है जिसको कोस्टोकोंड्राइटिस बोलते हैं, या कोई चोट लगी है तो वो पेन हो सकता है। उसमें क्या रहेगा, जैसे अपन प्रेस करेंगे तो अपने को वहाँ पे एकदम से पेन फील रहेगा, और वो पेन जैसे अपन खांसेंगे या सांस ले लेंगे तो उनके साथ में और बढ़ेगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो अपन सर्वाइकल का। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि अपने को यहाँ चेस्ट में पेन रहता है, सर्वाइकल पेन रहता है, और वो रेडिएट भी करता है हाथ में, तो अपने को डाउट रहता है कि कहीं हार्ट का दर्द तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सर्वाइकल पेन रहता है वो न कुछ नर्व को उसमें प्रेशर पड़ता है, तो जहाँ जहाँ नर्व का डिस्टर्बेशन रहता है वहाँ तक वो पेन जाता है। लेकिन अब उसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये पेन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, ये कई दिन महीनों तक चलता रहता है, तो अपने इजीली इसको रूल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो जैसे अपन लंग में कई सारे के पैथोलॉजी रहते हैं, जैसे अपने को नमोनिया हो गया हो, या अपने लंग में कोई हवा भर गई हो, या कोई लंग में जैसे खून की गांठें जम गई जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, उनमें भी चेस्ट पेन हो सकता है, या पहले अपने को टीबी रहा हो तो वो सब चेस्ट पेन कर सकते हैं।
कई बार अपन बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, एनजाइटी में रहते हैं, तो उस टाइम में भी अपने को जनरलाइज चेस्ट पेन फील रहेगा और एकदम सांस में भी दिक्कत रहेगी, लेकिन वो उनको अपन बड़े इजीली रोल आउट कर सकते। तो अपना मेन है जो कार्डिक पेन है और जो गैस का पेन है, उन दोनों को डिफरेंस करके फिर अपन, यदि अपन उसको फिर डिफरेंस कर लिया, फिर पता कैसे पता करें और उसका क्या मैनेजमेंट लें। तो इसको इजीली अपन आसपास के कहीं भी हॉस्पिटल में अपन जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ टेस्ट करवा के अपन इजीली डिफरेंशिएट और कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यदि अपने को डाउट है फुल कि चेस्ट पेन है जो हार्ट का ही है, तो अपन एक ईसीजी करेंगे, जो भी यदि हार्ट का पेन होगा तो क्लियर कट उसमें आ जाएगा। और कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं जैसे ट्रोपोनिन टेस्ट रहते हैं, क्योंकि जब भी हार्ट डैमेज होएगा तो उससे कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, वो अपने ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें आ जाते हैं। फिर अपन इको कर सकते हैं, इको में कोई भी यदि दिक्कत है, यदि कोई नस अपनी बंद है, उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो वो इको में हार्ट का वो पार्ट मूवमेंट नहीं करेगा, तो अपन उसको पहचान सकते हैं। फिर अपन एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंजियोग्राफी में क्लियर कट अपन देख सकते हैं। एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है इसके लिए, तो उसमें जहाँ भी ब्लॉक है वो आ जाएगा, और जहाँ ब्लॉक है वहाँ पे अपन उस ब्लॉक को यदि अपन ठीक कर देते हैं, खोल देते हैं, तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। और यदि अपना गैस्ट्रिक पेन है, उसके लिए अपन एंडोस्कोपी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी में कोई पेट में अल्सर है या कोई और दिक्कत है, तो वो इजीली अपन पहचान करके उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं सोचें कि अभी नहीं, 25 साल है, 30 साल की अपनी उम्र है और अपने को पेन हो रहा है, लेकिन अपने इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं ये तो गैस का पेन ही होगा, फिर इग्नोर करते हैं गैस का पेन ही होगा। तो कई बार अपनी में ऐसी हालत हो जाती है कि अपन जब इमरजेंसी में आते हैं हॉस्पिटल आते हैं, तो बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं और कई बार अपन पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा करके इनको इग्नोर न करें, इनको आइडेंटिफाई करें पेन को और सही ट्रीटमेंट लें। तो अपनी टॉक का जो कंक्लूजन है वो एक स्लाइड में है, जिसमें आपने बताया कि कार्डियक चेस्ट पेन क्या है और नॉन कार्डियक चेस्ट पेन क्या है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपन यदि ध्यान में रखते हैं, तो अपन इजीली पेन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अपन अपना सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।